शाम का वक्त कितना खूबसूरत लग रहा है, मगर सैडली आने वाले कुछ टाइम में यहाँ पे सब कंस्ट्रक्शन हो जाएगी, क्योंकि ये सब कुछ सेल हो चुका है और जिन्होंने खरीदा वो दूर गाड़ी देख रही है जिनकी उन्होंने खरीदा। पेड़ तो पहले ही नहीं थे, चलो खेती बाड़ी होती थी वो भी ख़त्म, सब बिक गया है, किसी मोतिया ने ले लिया है ब्रांड, मतलब जो है ये उनके प्लॉटिंग हो रही है, सब ख़त्म। और आज दिल्ली का टेम्परेचर है 52.9 डिग्री, 53 लगा लो, यही सब यहाँ रहा पंजाब में भी तो क्या होगा आप समझ ही सकते हो, यहाँ पे भी कुछ टाइम बाद ऐसे ही होएगा, फिर ऐसे ही टेम्परेचर रहेगा, ऐसे ही सब कुछ होगा, गर्मी बढ़ती जाएगी, गवर्नमेंट्स और लोग पैसों के पीछे लगते रहेंगे, यही होएगा और क्या होना, वेरी बैड एंड वेरी सैड। चलो जो है वो है, हम तो कुछ कर ही नहीं सकते। आज जेम्स को नए रास्ते पे लेके आए उसे घुमाने के लिए, आईफोन 15 प्रो का मैंने एक्शन मोड ऑन किया हुआ है इस वक्त, तो आप मुझे ज़रूर बताना कमेंट्स में कि उसकी क्वालिटी कैसे है, कि आपको ज़्यादा हिलते हुए जर्क्स टाइप के नज़र आ रहे हैं या नहीं। बाकी ये वैसे तो सुंदर लग रहा है, बट सैडली यहाँ पे भी कमर्शियल रेजिडेंशियल जो भी है वो सब बनेगा। वो सामने लोटस ग्रीन सक्षम है, और क्या बोलूँ मैं, ये सामने वो जहाँ दिख रहा है आपको वो सामने अनंता समथिंग है उसके फ्लैट्स है वो, और उसके वहाँ पे जो दिख रहा है सुषमा और वो सारे हैं। तो ये रोड जाके ना आगे जहाँ पे अभी जेम्स और जगदेव दोनों जा रहे हैं वो मिलेगी एयरपोर्ट रोड के साथ में, दोनों मेरी वेट कर रहे हैं, मैं पीछे खड़े होकर वीडियोस बना रहा था, ये कहते पीछे क्या हो रहा है, आगे हो, हम दोनों आगे हैं, तुम्हारा ना फ़ोन निकाल लेगा कोई, ऐसे पता नहीं इस एरिया में क्या होता है। ये भी कुछ बन रहा है, इसके बारे में हमें नहीं पता था, ये हमने अब देखा, कुछ मालूम है क्या है, मेन गेट है और ये सोसाइटी बन रही है। अच्छा ठीक है जी, तो देखो वहाँ से आए हैं, ये कुछ गेट है, ये सोसाइटी, ये शॉप से बन रही लग रहा है, और ये मेन रोड है, ये वहाँ आगे तक जाएगी और ये इधर से मेन रोड से इधर आएगी। अच्छा वो वहाँ पे कुछ बोर्ड भी लगा है, मैं इसका नाम भूल गया हूँ, ये उसका ये सामने एमिलिया भी लिखा हुआ है, बट ये एमिलिया तो नहीं है, ये कुछ और है, आई डोंट नो, देखते हैं जब बनेगा। ये देखो ये रोड भी कट गई है, ये रोड चारों तरफ, एक किधर जाएगी एक किधर जाएगी एक किधर जाएगी और एक ये मेन रोड से आ रही है, और ये जाएगी सारी एयरपोर्ट रोड पर। ये सब बना हुआ है, सरिया पड़ा है, सब कुछ है, मतलब इस जगह की बर्बादी शुरू मैं इसको बर्बादी ही बोलूँगा, मैं इसको डेवलपमेंट बिल्कुल भी नहीं बोलूँगा, जिस हिसाब से आजकल टेम्परेचर चल रहा है ना उस हिसाब से तो डेवलपमेंट है ही नहीं है, दिस इज डिस्ट्रक्शन। जेम्स जेम्स वो सामने देखो सुषमा है, इसमें अभी दिखेगा नहीं आपको, एक सेकंड, वो सामने सुषमा नज़र आ रहा है, पंजाब का लाल और अनंता वगैरह है, हाँ कहाँ गया हो रहा, वो कुछ मैरिज वाले से सामने कुछ बन रहा है, वो सामने गुरुद्वारा जी है और वो लोटस सक्षम। गर्मी बहुत ज़्यादा है यार, चलो बाकी चलते हैं आपको और दिखाते हैं। ये देखो सब बेचारा इतनी सारी जगह पे एक ही पेड़ रह गया, सो सैड, उधर भी हैं मगर फील हो रहा है जैसे कि लाइक राजस्थान या डेजर्ट एरिया कोई हो, इस तरह से फील हो रहा है, क्योंकि सब कुछ तो यहाँ से हट गया है, पेड़ वेड़ तो कोई रहे नहीं, तो यही चीज़ें आने वाले टाइम में यहाँ सब बन जाएगा जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, बट कोई बात नहीं, शायद मैं तब तक यहाँ ना रहूँ, यहाँ हूँ ना कहीं और चला जाऊँ, क्या पता कहीं और भी जा सकता हूँ।
आपको कैसे जगह पे रहना पसंद है? मेरे को वैसे पेड़ों में और ऐसी जगह रहना पसंद है माउंटेन्स में, मगर आजकल बारिशें भी ऐसे होती हैं कि वहाँ पे रहना इज़ लाइक इम्पॉसिबल टाइप। बाकी ये देखो आगे का एरिया, वो दूर मेन रोड है और वो दोनों वहाँ घूमने गए। चलो हम भी चलते हैं। आप सही बताना, आपको वाइड कैमरा में ऐसे पसंद है वीडियोस देखना या नॉर्मल व्यू में? मुझे फ्रैंकली नॉर्मल व्यू में ज़्यादा पसंद है, वाइड में थोड़ा सा अजीब सा लगता है, चीप नहीं अजीब। वो पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच गए, इस बार पता नहीं बारिश कब होएगी, अभी तक तो हुई नहीं। और वैसे भी मई का महीना ख़त्म ही हो गया, आज 29th है, और आने वाले दिनों में जब भी बारिश होएगी तो ह्यूमिडिटी भी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। बाकी आप देख रहे हो जो सीवरेज के पाइप्स हैं, यह सब डलेगा, अभी तो ऐसे ही है। जो आगे ये लैंड है इस दीवार के दूसरी तरफ, ये आई थिंक अभी शायद नहीं सेल हुआ या हो भी क्या होगा, नो आइडिया। बाकी देख लो ये हिसाब है, ये डेवलपमेंट है, क्या आप इसको डेवलपमेंट मानते हो? सच सच बताना, मैं भी रहता तो यही हूँ सामने, बट क्या करें, अब मौका मिलेगा तो मैं निकल जाऊँगा इस जगह से, बट वो कब होगा आई डोंट नो। ये हमारे दोनों हीरो आ गए, जेम्स, अरे मेरे को भी देख ले यार, हाँ कम, चल चल, गुड बॉय। कैमरा मैन जरा फोकस करो, ध्यान ही रखते हर जगह रखता है क्या, हर जगह रखता है। हाँ फर्स्ट टाइम आए हो, हम डेली आते हैं। अच्छा एक चीज जरूर है कि सुबह के हिसाब से देखो, मतलब गर्मी कम कितनी होगी अभी इस टाइम, गर्मी के 7 बजे के टाइम गर्मी थोड़ी सी अगर बाहर निकल आते हैं तो गर्मी कम होना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि थोड़ी बहुत पेड़ की हवा बचे ही कहाँ है, देखा जाए मौसम थोड़ा सा शाम जैसे होना शुरू हो जाती तो हल्की हल्की सी हवा चलना शुरू हो जाती, तो इस वजह से बाहर फर्क तो पड़ता ही है। इसकी ना पानी की बोतल लेनी है, वो आगे एक ड्रॉप वाली नहीं आती जिसमें वो आगे प्रेस करो आगे उसमें आ जाता है, क्यूब में आ जाता है पानी, तो वो जैसे बाहर घुमाने के लिए लेके आते, तो उसके लिए ले लें। गर्मी लग रही है इसको बहुत, जेम्स गर्मी लग रही है। चल जगदेव कह रहा है कि व्लॉगिंग मत करो और वॉक करो, तो भाई व्लॉगिंग तो ज़रूरी है, मेरे जो थोड़े बहुत सब्सक्राइबर हैं उनको दिखाना ज़रूरी है कि मैं क्या कर रहा हूँ, तो अच्छा लगता है ना कभी कभी, ज़्यादा तो मैं करता नहीं व्लॉगिंग, कभी कभी करता हूँ। चारों तरफ का मैंने आपको दिखा दिया, और ऐसे करते हुए ना मेरे को चक्कर भी आने लग गए, मुझे मालूम है ये बच्चों वाली हरकत थी ऐसे राउंड राउंड घूमना, पर वैसे ही चारों तरफ मैं दिखाने की कोशिश कर रहा था आपको, तो वही चल रहा था काम। दिल तो बच्चों मैं इस टाइम वॉक वॉक वाली व्लॉगिंग, ये वो वर्ड है जो मुझे सबसे ज़्यादा तंग करती है, वो वर्ड जो सबसे ज़्यादा शोर मचाती है। कोई बात नहीं, उसका काम है, मैंने सुना है कैसे कि ये इसलिए ऐसे करती है क्योंकि ये एग ज़मीन पे देती है, और जब पास में कोई इंसान आए या कोई जानवर आए
उस टाइम इसको लगता है कि इसके एग्स को ख़राब करते हैं ये वो। फिफ्टीन प्रो में ना इतना ही जूम होता है, ये 9x है अभी, पर बहुत ग्रेनी है और अच्छी लाइट है अभी, कोई बुरा नहीं है, पर क्या करें, दोनों तो भाग गए आगे। वो एक्चुअली थोड़ा सा वैसे डार्क और ग्रेनी इसलिए आ रहा था क्योंकि मैंने एक्शन मोड जो है ना वो एक्टिवेट किया हुआ है, वो इसलिए किया हुआ था क्योंकि मैं चल रहा हूँ फिर हिलते हुए दिखेगा। आज मैंने चप्पल पहन के आ गया, देखो मेरे पैरों का हाल गलती से जिसे कहते हैं, एनी हाउ जो भी है वही है। मुझे पता नहीं था कि हम लोग इस तरफ आ रहे हैं, अगर मुझे पता होता ना फिर मैं शूज़ पहन के आता। जगदेव तो कह रहा है कि आप मेरे शूज़ पहन लो, मैं चप्पल पहन लेता हूँ, फिर मैंने कहा छोड़ो यार कोई बात नहीं, इतना भी सैक्रिफाइस करना अच्छा नहीं है। देखो ऐसे पेड़ कितना अच्छा लग रहा है, इसकी एक फ़ोटो भी ले लेता हूँ। चलो जी आगे की तरफ चलते हैं, और यहाँ ना मिट्टी भी बड़ी सॉफ्ट है तो पाँव ना अंदर को हो रहे, कपड़े सारे गंदे हो गए मेरे, पर कोई बात नहीं धो लेंगे, पैर भी गंदे वो भी धुल जाएंगे, कोई बात नहीं। मैं अभी ना आते हुए वैसे दया लोअर पहन के आया था क्योंकि वॉश किया हुआ निकाला था वो, तो वो भी पहन के आया था, मगर फिर अब ऐसे चलने की वजह से वो भी नीचे से काफ़ी ज़्यादा गंदा हो गया, पर कोई बात नहीं, अब देखते हैं उधर आगे को चलते हैं उस तरफ को, वहाँ जाके देखते हैं। अरे बड़ी सॉफ्ट मिट्टी है यार, देखो सारे पाँव इस बीच में घुस रहे हैं इसके, और पैर तो गंदे हो रहे हैं तो कपड़े साथ में अलग हो रहे हैं, पर कोई बात नहीं यार मज़ा तो बड़ा आ रहा है चलने में, काफ़ी डर अभी है। देखो यहाँ पैर फंसेंगे, यहाँ पैरों में जाएगी पूरी मिट्टी, पूरे पैर भर गए, ओहो वो लोग तो उधर पहुंच गए आके, काफी दूर है। ये कंस्ट्रक्शन साइट है, पता नहीं क्या बन रहा है, ऑफिस होगा या शॉप्स लग रही है मुझे, ज़्यादातर पहले शॉप्स ही बनती हैं, फ्लैट फ्लूट बाद में बनते हैं, कह नहीं सकते। ये रोड रोलर खड़ा है, एक फोटो खींच सकते हैं यार इसकी, ऐसे ही शौक के लिए रखने के लिए, क्या बोलें शौक तो नहीं आएंगे, ये भी रोड है, ये बेचारे ट्री सब निकाल के इन्होंने रिलोकेट तो करना नहीं, फेंक ही देंगे। चलो क्या बोलें, ये भी देखो पूरी रोड है, यहाँ पे भी सब सोसाइटीज़ वगैरह बन जाएंगी। अभी सुनने में आया है कि यहाँ पे 61,000 के हिसाब से यहाँ पे प्लॉट का रेट है, बाकी पता नहीं, शाम होती जा रही है बट फिर भी काफ़ी लाइट है, अभी सूरज तो ढल गया है बट लाइट काफ़ी है। ये दूर पता नहीं ऐसे धुआं सा क्या है, क्या है जगदेव ये नीचे वहाँ पे मजदूर रहते हैं तो वो खाना बना रहे होंगे इस टाइम, इस वजह से धुआं निकल रहा है। अच्छा, या कुछ उन्होंने प्लास्टिक वगैरह जलाया हो, पता नहीं, ऐसे लग रहा है जैसे क्लाउड सा कुछ लग रहा है ऐसे, आई डोंट नो। तेरी गाने नहीं गाने, गाने गाने से कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाता है, वो तो म्यूजिक से होता है, क्या पता यूट्यूब का कुछ नहीं कह सकते। जेम्स पूरा थका हुआ है पर उसको मज़ा भी बढ़ा रहा है, अब जाके इसने खूब सारा पानी पीना, और जो मिट्टी भर के लेके जा रहे हैं घर में घुसने से पहले, जेम्स तेरे को अच्छे से तेरे बाल और पैर झाड़ने, नहीं तो तूने घर भर देना, वैसे ही घर पे काम हो रहा है, काम होने से पहले ही मिट्टी और का बुराता वगैरह सब जो है वो पहले ही भरा हुआ है, तो उसकी वजह से भी वुड वर्क करा रहा था मैं थोड़ा सा, आपको वीडियो में दिखाऊंगा मैं जब बन जाएगा ना सारा, तो उसका भी एक व्लॉग आएगा तो उसमें आपको दिखेगा सारा कुछ। ये क्या है, अच्छा पत्थर है, दूर से सोचा मैंने पता नहीं क्या है, ये पत्थर पता नहीं कहाँ से निकला होगा, ये लेके आए आई डोंट नो,
ये और पड़े कुछ पत्थर, इन पत्थरों का क्या करेंगे? डेकोरेशन के लिए यूज करेंगे। ओके, क्वाइट पॉसिबल। या फिर नीचे जमीन में भी डाल सकते हैं नींव के लिए। अच्छा, वो प्लेटफॉर्म सब बनाएंगे। कुछ नहीं पता मेरे को, भी डेकोर के लिए ही लग रहा है। चलो जी, अब घर की तरफ चलते हैं। शाम ढल रही है और साथ में इस वक्त ना बहुत सारे जो स्ट्रीट डॉग्स हैं ना वो आ जाते हैं, फिर वो बड़ा तंग करेंगे। उनके ये लग रहा है उनके एग्स को हम तोड़ने लगे, तो इसीलिए ये ऐसे कर रही हूँ। अरे भाई, नहीं कर रहे हम कुछ, वी आर जस्ट पासिंग बाय। कोई पता नहीं बर्ड का आके हमले ही कर दे। उसी एरिया में आ गए जहाँ से हम गए थे। अब चलते हैं घर की तरफ। इस पे ना चल के जाना बड़ा मुश्किल है यार, पैरों में लगती हो, क्या हालत होगी ये। एनी हो, चलो चला जाए घर की तरफ। जैसे मैं आपको कह रहा था, सब सेल हो गया है, सब कंस्ट्रक्शन हो जाएगी, खेत कूद भी ख़त्म हो गए। जब यहाँ आए थे ना, यहाँ पे खेतों में काफ़ी कुछ लगता था, तो खैर के हालत ना जब अगलों ने करोड़ों रुपए में सेल कर दिया, तो उनको यहाँ से जाना ही पड़ा। आगे उनके खेतों में फिर भी थोड़ा बहुत कुछ लगा, और आगे वहाँ जाके ना लेफ्ट साइड में उसमें भी लगता है, आई थिंक उन्होंने अभी सेल नहीं किए, बट सैडली वो भी आने वाले कुछ टाइम में सेल हो जाएंगे। यही सब बातें मैं आपसे करना चाहता था कि डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, और हमारा दिन पर दिन गर्मी बढ़ रही है। ये सब चीज़ें हो रही हैं, गवर्नमेंट्स और लोग कुछ कर नहीं रहे इसके बारे में, बिकॉज वो सोचते हैं डेवलपमेंट यही सब है, सब काट दो, सब हटा दो, ये डेवलपमेंट है। तो ये बातें हैं सारी। ये कुछ खेत बाकी रह गए इस एरिया में, बाकी तो मैंने जैसे आपको बताया वो ख़त्म हो गए हैं। ये साइड में थोड़ा सा ये खेत है, और एक दूसरी साइड में उधर आके जाके लेफ्ट साइड बाकी सब फिनिश। इन वाले खेत में भी जब इनका मन करता है पानी दे जाते, अदरवाइज ये सूखे हुए देखे। और ये देखो, यहाँ तो बस ऐसे ही लगा रखा है भगवान भरोसे। तो यही तो फर्क है कि पेड़ पौधे और उनसे क्या होता है। अब इससे ठंडा ठंडा फील हो रहा है, अगर यही पेड़ लगे हों सब कुछ हो तो कितना अच्छा फील होगा। ये दोनों घूम के वापस आ रहे हैं यहाँ पे। चलो, आज व्लॉग की एंडिंग यहीं करते हैं, आपसे नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी ज़रूर करें। आज अभी जेम्स।